बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत सारे लोग आज के समय में पीड़ित हैं। ये रोग खराब खान पान, सुस्त जीवन शैली से जुड़ा है। कई बार बवासीर खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार दवाओं यहाँ तक कि सर्जरी तक की जरूरत पड़ जाती है। अब कुछ ऐसे घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको स्टार्टिंग अवस्था में ही आप इसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, कितनी बार बवासीर होने पर दर्द नहीं होता, लेकिन यदि आपके गुदा द्वार के पास किसी भी प्रकार का बदलाव, जैसे खून आना महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। क्योंकि कितनी बार गुदा के आसपास दिखने वाले लक्षण बवासीर के ना होकर अंदरूनी किसी और समस्या से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर बवासीर की बात की जाए तो बवासीर होने पर गुदा के बाहर या अंदर की तरफ मस्से हो जाते हैं, जिनसे तेज दर्द, खून आ सकता है। इस रोग में आपका चलना फिरना, यहाँ तक कि उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। बवासीर के इलाज के लिए कुछ घरेलू उपचार आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात की जाए तो यदि बहुत दर्द वाला बवासीर है तो 15 मिनट के लिए आपको गर्म पानी करके टब में रख देना है और उसमें आपको अपने जो निचला हिस्सा है उसको डुबोकर बैठना है। यदि आप कई दिनों तक ऐसा करते हैं, खासकर विशेष रूप से मल त्याग के बाद, तो इससे आपका जो गुदा द्वार में जो दर्द होता है, भयानक दर्द, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, एक तरह की सेक आपको लगती है। इसके अलावा आप यदि खाने की चीज़ों की बात की जाए तो ईसबगोल की भुस्सी एक चीज़ है जो आपके फाइबर को सेवन को बढ़ाने में मदद करती है और मल को नरम करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि फाइबर का सेवन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इससे भी पेट में ऐंठन व दर्द की समस्या हो सकती है। अब यदि आप ईसबगोल की भूसी का प्रयोग करते हैं तो फाइबर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आपका जो मल है वो सुबह आसानी से त्याग आप कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसके अलावा जिन लोगों को वहाँ पर सूजन की समस्या रहती है वो एलोवेरा जल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इससे त्वचा की सूजन में आपको उस प्रभावित हिस्से में राहत मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों को सूजन ज़्यादा हो जाती है वो लोग आइस पैक भी वहाँ लगा सकते हैं, जिससे दर्द, जलन और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, बर्फ़ को सीधे प्रभावित जगह पे नहीं रखना है, इससे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। बर्फ़ को तौलिए में लपेट कर लगाना चाहिए और कम से कम 15 मिनट तक यदि आप प्रभावित हिस्से पर इसकी सिकाई करते हैं तो सूजन और जलन से राहत मिलती है। इसके अलावा फाइबर वाली डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ये मल को नरम करता है। इसमें खासकर पपीते का सेवन और जितने मौसमी फल हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, सब्जियाँ हैं, उन्हें लें। इसके अलावा यदि आप इस तरह से दर्द और सूजन में इन पैक और सिकाई का प्रयोग करते हैं तो आपकी दर्द की समस्या भी दूर होगी। और धीरे धीरे, देखिए, हमारे खान पान की गलत आदतों की वजह से ही होता है, इसलिए फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, रसीले फलों की मात्रा बढ़ाएं, तो धीरे धीरे जो बवासीर की समस्या है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।